साहब हो गई गाड़ी साफ। कितने पैसे दे दूं? सब 10-20 कुछ भी दे दीजिए। ये लो 500 रुपये। खुले नहीं है साहब? खुले तो मेरे पास भी नहीं है। वहाँ एक दुकान है, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है ले आओ। अरे वो तो भाग गया। जाने दो, उसकी किस्मत में सिर्फ 500 रुपये ही थे। क्या मतलब? बताता हूँ। वो तेरे 500 लेके भाग गया और तू बोल रहा बताऊंगा? बोला ना बताता हूँ। अजीब है यार तू। साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देखने में तो तू अच्छा खासा लग रहा है, कुछ कमाता क्यों नहीं है, मेहनत किया कर। साहब कोई काम ही नहीं देता। काम दूंगा तो करेगा? हाँ साहब कर लूंगा। चल ठीक है, मेरी गाड़ी साफ कर दे, 50 रुपये दे दूंगा। 50 रुपये? ठीक है साफ कर लूंगा। हो गई साहब। ये लो। सब खुले नहीं है मेरे पास। खुले पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मैं एक काम करो, पास की दुकान से खुले पैसे करा लो। ठीक है साहब, मैं करवा के लेके आता हूँ। जब मेरे पास खुले पैसे थे तो उन्हें देने क्यों नहीं दिए? क्योंकि मुझे उसे 500 रुपये देने थे। और क्यों? बताता हूँ। बताऊंगा। बोला ना बताता हूँ। पंद्रह 20 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया वो। मैं जानता हूँ वो नहीं आने वाला। तो फिर तूने उसे पैसे क्यों दिए? बताता हूँ। अजीब है यार, बताता हूँ। बोला ना बताता हूँ। साहब मैं आपकी कार साफ कर दूँ? भाई गाड़ी तो ऑलरेडी साफ है। तो साहब कोई और काम बता दो, बहुत भूख लगी, कुछ खा लूँगा। कोई और काम तो नहीं है, एक काम करो तुम गाड़ी साफ कर दो। ठीक है साहब। साहब हो गई। कितने पैसे दे दूं? 10-20 रुपये कुछ भी दे दो साहब। 10-20 रुपये तो नहीं है मेरे पास, ये 500 रुपये हैं। साहब मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। एक काम करो, पास की किसी दुकान से खुले पैसे करा लो। ठीक है साहब, मैं पास में देखता हूँ और लेकर आता हूँ। तू ना ऐसे ही पैसे बांटता रहे सबको। साहब ये रहे आपके 490 रुपये। तुमने बस 10 रुपये लिए? हाँ साहब, आपकी कार पहले से ही साफ थी तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, तो 10 रुपये ही बहुत है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पैसे लेकर आने में इतना टाइम कैसे लग गया? क्या बताओ साहब, मैं जिस भी दुकान पर गया वो लोग मुझे अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कोई भीख मांगने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से एक दुकान वाले ने ये खुले पैसे दिए हैं। तुम चाहते तो ये पैसे लेके भाग भी सकते थे, लौट के क्यों आए? कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं आपके पैसे लेकर कहाँ भागूंगा? और अगर आपसे नजर चुरा कर भाग भी जाऊंगा तो ऊपर वाले से कैसे भागूंगा? और साहब मैं ना अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाता हूँ, चाहे भूखा सो जाऊंगा पर बेईमानी नहीं करूंगा। तुम्हारी सोच काफी अच्छी है, काम करोगे? अगर काम मिलता है तो बिल्कुल करूंगा साहब। देखो मेरी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब खाली है, अगर तुम चाहो तो वो कर सकते हो। जी साहब बिल्कुल। ये मेरा कार्ड है, सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। और हाँ, तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम मैं करा दूँगा। जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताएगा क्यों किया तूने ये सब? बताता हूँ मुस्कान, सब बताता हूँ। तुम्हें पता ही है कि हमें हमारी कंपनी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, और सिक्योरिटी गार्ड का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इन सबका टेस्ट लिया। और जो बाकी लोग अभी गए हैं ना, इन लोगों के अंदर ईमानदारी थी ही नहीं, इसलिए वो लोग इस टेस्ट में फेल हो गए। और जो आदमी भी गया उसके अंदर ईमानदारी थी, इसलिए वो स्टेज ऑफ मिल गया।
और हाँ, असल बात तो ये है कि रोड साइड जितने भी घूमते हैं ना कि हमें काम दे दो हमें काम दे दो, सही बात तो ये है कि इन्हें काम करना ही नहीं होता है। जब इनको काम दिया तो ये भाग गए, और उस लड़के ने ईमानदारी का परिचय दिया, इसीलिए उसे ये जॉब मिली। समझ गई। चले अब।